हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, आप सभी लोगों का मोस्ट अवेटेड नोटिफिकेशन, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी जारी हो चुका है। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आप सभी को वैकेंसी के बारे में कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं, जैसे कि टोटल कितनी पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है, आपका एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस क्या रहने वाला है, इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें और जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी अप्लाई करने के बारे में, वो सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। अगर आपको वीडियो देखने के बाद भी मन में कोई डाउट क्यूरीज रह जाता है तो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने सारे क्वेश्चंस पूछ लेना। उन सभी कमेंट्स को पढ़ने के बाद आज रात तक आप सभी को मैं एक और सेपरेट वीडियो बनाकर आपके सारे डाउट्स दूर कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अब ज्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आप यहाँ पर देख सकते हो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की नई वैकेंसी आई है, जिसमें आपके जो ग्रेड पे है वो 5200 से लेकर के 20200 का है, यानी कि यहाँ पर 2000 ग्रेड पे का आपका नया वेतनमान मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों टोटल वैकेंसीज की, तो वैकेंसी की संख्या यहाँ पर है 60244। पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 52,000 के अराउंड वैकेंसी आएगी, लेकिन उससे भी यहाँ पर ज्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिली है। कैटेगरी वाइज में पोस्ट की बात कर लूँ तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 24,102 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6,024 है, ओबीसी के लिए 16,264 है, अनुसूचित जाति के लिए 12,650 और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 1204 है। तो इस प्रकार से मिला करके कुल आपकी 60,244 वैकेंसी यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे अप्लाई करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन की जरूरत यहाँ पर रहने वाली है। तो देखिए, आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 27 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो जाएगा और अप्लाई करने का लास्ट डेट है 16 जनवरी 2024। दोस्तों यहाँ पर आप लोग लास्ट डेट का वेट मत करना, स्टार्टिंग में अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना, अदरवाइज सर्वर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है बाद में और फिर आप अपने फॉर्म को फिल करने में बहुत ज़्यादा परेशानी झेलोगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप अपने फॉर्म में कोई करेक्शन करना चाहते हो या फिर आपका जो पेमेंट करने का डेट है वो रखा गया है 18 जनवरी 2024 तक। इसके बाद यहाँ पर देख लो आवेदन शुल्क, तो अप्लाई करने के लिए दोस्तों आप सभी को 400 रुपये यहाँ पर पे करने होंगे और आपका जो पेपर है वो ऑफलाइन मोड में ओएमआर सीट पर होने वाला है। बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आपने क्लास 10th और क्लास 12th पास कर रखा है, भारत के किसी भी स्टेट में किसी भी बोर्ड से अगर पास कर रखा है तब अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। नेक्स्ट एज की बात करेंगे इसकी, यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखना दोस्तों कि जो अपीयरिंग कैंडिडेट हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो इस बार एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं 12th के या फिर आगे एग्जाम पास करने वाले हैं, वैसे कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे। फॉर्म जो डेट है ओवर होने का, उस समय तक आपके हाथ में डिग्री या सर्टिफिकेट होनी चाहिए। फिर इसके बाद आयु की बात कर लें, तो एज आपकी 1 जुलाई 2023 से काउंट की जाएगी और जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए मिनिमम एज है 18 ईयर्स का, मैक्सिमम एज 22 ईयर्स का है। अब बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट करके पूछते हैं कि मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। तो देख लो, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2001 है या फिर इससे आगे है और 1 जुलाई 2005 से पहले का है तब बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे, इसके बाहर वाले कोई भी डेट के एलिजिबल कैंडिडेट नहीं होंगे। फीमेल कैंडिडेट की मैं बात करूं तो उनका 1 जुलाई 2023 के अनुसार मिनिमम एज 18 ईयर्स का और मैक्सिमम 25 ईयर्स का होना चाहिए, यानी कि डेट ऑफ बर्थ के टर्म्स में 2 जुलाई 1998 से लेकर 1 जुलाई 2005 के कैंडिडेट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो आपकी रिजर्व कैटेगरी के लिए मिलती है आयु सीमा में छूट, वो भी यहाँ पर मिलने वाली है आपके रूल्स के अकॉर्डिंग। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर वैवाहिक स्थिति वगैरह के बारे में दिया गया है, ये सारी चीजें हर एक कैंडिडेट के लिए जनरल नहीं है, इसलिए आप इसे खुद से नोटिफिकेशन में पढ़ लेना। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी भर्ती प्रक्रिया होगी कैसी, तो एक आपका ऑफलाइन पेपर करवाया जाएगा जो कि 300 नंबर का होगा। पेपर में दोस्तों आपके टोटल 4 सेक्शंस होते हैं, मैंने 2018 में इसका एग्जाम दिया भी है। सामान्य ज्ञान का पेपर होगा, सामान्य हिंदी का पेपर है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता का पेपर है और मानसिक अभिरुचि एवं बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता का पेपर होगा। दोस्तों यहाँ पर टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चंस आपके 2 नंबर के होंगे, अगर आप गलत करोगे तो 0.5 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे, यानी कि 1/4 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रखी गई है। और एक बात का ध्यान रखना कि आपकी जो मेरिट लिस्ट बनने वाली है वो इसी रिटर्न टेस्ट के आधार पर बनेगी, तो इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स लेकर आने हैं, जिसके लिए आप सभी को अभी से ही अपनी तैयारी स्टार्ट करनी होगी। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर, तो आपका जो पेपर है वो ओएमआर सीट पर होने वाला है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होगा, इस बात का भी ध्यान रखना। और आपका पेपर अगर एक से ज्यादा शिफ्टों में होता है तो फिर यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन में कुछ के मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं, कुछ के यहाँ पर इंक्रीज भी होते हैं, आपके शिफ्ट पेपर के लेवल एंड आपकी जो कैंडिडेट बैठ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं अगला स्टेप क्या होगा, तो जैसे ही आप रिटन एग्जाम क्लियर करोगे तो आपको जाना होगा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए, डीबी एंड पीएसटी इसका शॉर्ट फॉर्म है। तो दोस्तों डीबी में आपके सारे 10th एंड 12th के डॉक्यूमेंट वगैरह चेक किए जाएंगे, आपकी जो रिजर्व कैटेगरी है उसके डॉक्यूमेंट चेक की जाएगी। फिर इसके बाद देखते हैं पीएसटी आपका क्या क्या होगा,
तो पहले मेल कैंडिडेट के लिए जो आपकी ऊंचाई है यानी कि हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सामान्य कैंडिडेट यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी का, अन्य पिछड़ा वर्ग दैट मीन्स कि ओबीसी का और अनुसूचित जातियों के लिए, ऐसे जितने भी पुरुष अभ्यर्थी हैं उन सभी की मिनिमम हाइट 168 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, अदरवाइज आपको बाद में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो अनुसूचित जनजाति हैं यानी कि एसटी कैंडिडेट हैं उनमें मेल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। फिर इसके बाद है दोस्तों आपका सीना, जो चेस्ट आपका है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए वो न्यूनतम 79 सेंटीमीटर होना चाहिए बिना फुलाए, और फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर यानी कि आपकी 5 सेंटीमीटर यहाँ पर एक्सपेंड होनी चाहिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट के लिए, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए जो आपकी हाइट रखी गई है वो है 152 सेंटीमीटर अनरिजर्व्ड ओबीसी एंड एससी कैंडिडेट के लिए, और जो एसटी कैंडिडेट फीमेल होगी उनकी हाइट मिनिमम 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फिर इसके बाद वजन आपकी महिला अभ्यर्थी के लिए 40 किलोग्राम का होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं कि आपका रनिंग वगैरह कैसा होगा यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तो जो मेल कैंडिडेट होंगे उन्हें यहाँ पर 4.8 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी 25 मिनट में, और जो फीमेल कैंडिडेट होंगी उन्हें 2.4 किलोमीटर की दौड़ लगानी है 14 मिनट्स में। ये आपको बिल्कुल विद इन द टाइम लिमिट कंप्लीट करना है, अदरवाइज आपकी अगर मेरिट लिस्ट में नंबर अच्छे भी होंगे फिर भी आप सभी को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया कि जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल पाए गए अभ्यर्थी होंगे उनकी लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन सूची आरक्षित किया जाएगा। आपके जो भी मेरिट लिस्ट में नंबर होंगे रिटर्न एग्जाम में उसी के बेसिस पे आप सभी के मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे। फिर नीचे आओगे तो आप सभी को लोग देख लो जितने भी फॉर्म वगैरह आपके आएंगे ओबीसी के हो गए, ईडब्ल्यूएस वगैरह के हो गए, एससी एसटी के, सभी का यहाँ पर सैंपल दिया गया है, आप नीचे देख सकते हो। इसके अलावा आपको क्या क्या छूट मिलने वाली है स्वतंत्रता संग्राम वगैरह या फिर ओबीसी के हैं उनके कैंडिडेट को, सारी डिटेल्स दिए गए हैं। तो ये वाला जो नोटिफिकेशन है इसका पीडीएफ मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप, इसका नाम है एग्जाम गुरु, मैंने लिंक डाल दिया वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो, यहाँ पर डाउनलोड करके पढ़ लेना। साथ ही में दोस्तों मैं अभी जस्ट इस वीडियो के तुरंत बाद एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वीडियो अपलोड करूंगा और प्रीवियस ईयर के कट ऑफ का वीडियो अपलोड करूंगा, तो आप सभी लोग भी वो दोनों वीडियो देखना मत भूलना। मैं ये सारे वीडियोज अपने चैनल पर एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाकर अपलोड कर दे रहा हूँ। साथ ही में दोस्तों आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसके साथ ही दोस्तों अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो कमेंट करके बताना, आपको मैं कंटिन्यू मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा दूंगा इसी चैनल पर। कोशिश करूंगा कि कल से आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाए, अभी मैं जस्ट एक प्रीवियस ईयर का पेपर आपको अपलोड कर रहा हूं जिससे कि एग्जाम पैटर्न के बारे में आइडिया लग जाए। साथ ही में दोस्तों आपको तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से बुक फॉलो करने हैं, इसके बारे में कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का वीडियो लेकर आऊंगा आप सभी के लिए, तो उसके लिए आप सभी लोग चैनल के साथ जुड़े रहें और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, वहां पर जितने भी स्टडी मटेरियल्स एंड पीडीएफ वगैरह होंगे आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवा दिया जाएगा। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें।